जय भारत जरोखा पुस्तक में पाठ 21 कपालमोचन एक सांस्कृतिक धरोहर। कपालमोचन एक सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक है ये धरोहर। ये वाक्य में अर्थ स्पष्ट करो, ऐतिहासिक धरोहर क्या होता है? इतिहास की झलक प्रदान करने वाला स्थल, इतिहास के बारे में झलक प्रदान करे। सांस्कृतिक धरोहर, संस्कृति की झलक प्रदान करने वाला स्थल या साहित्य। सांस्कृतिक धरोहर होता है जो संस्कृति की झलक प्रदान करने वाला स्थल या साहित्य। स्मारक, महान संतों या राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी याद में निर्मित स्थल। पौराणिक, वे स्थल जिनका वर्णन पुराणों या रामायण महाभारत में मिलता है। और स्पष्ट कर ले, ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक संपदा जैसे लाल किला। सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक संपदा जैसे वेद। स्मारक, पुरानी यादगार समाधियां जैसे ताजमहल। पौराणिक, प्राचीन काल की संपदा जैसे रामायण महाभारत। ये कपालमोचन का दृश्य देख ली। कपालमोचन एक सांस्कृतिक धरोहर। मेले की तैयारी, आरती के कदम खुशी से जमीन पर नहीं टिक रही थी। आज उसके चाचा चाची जो आने वाले थे, चाचा चाची के साथ गिन्नी दीदी और छोटू भैया भी आएंगे। फिर वे सब मिलकर हर साल की तरह कपालमोचन मेला देखने जाएंगे। आरती, दादी जी चाचा जी कितनी देर में आएंगे? दादी जी बस आने ही वाले हैं। आरती, दादा जी हम तो जगाधरी में रहते हैं, हमारे घर में कपालमोचन कितनी दूर है? दादाजी, बेटा यह स्थान जगाधरी शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। आरती, हम वहां तक कैसे जाएंगे? दादाजी, वहां जाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी बसें चलाई जाती हैं, हम उन्हीं से जाएंगे। आरती, लो चाचा जी, चाची जी भी आ गई। चाचा जी, चाची जी ने आरती को प्यार से गले लगाया। फिर वह गिन्नी दीदी वह छोटू भैया को लेकर अपने कमरे में गई। वहाँ उसने मेले में जाने के लिए अपनी नई फ्रॉक व स्वेटर दीदी व भैया को दिखाई। मम्मी व चाची जी ने खाने की बहुत सी चीज़ें बनाई। चाचा जी व पिताजी मेले में जाने के लिए बस की टिकटें लेकर आए। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर सभी मेले के लिए रवाना हुए। दादाजी, इस मेले में हर साल लाखों लोग स्नान करने व मेला देखने आते हैं, इसलिए आरती तुम गिन्नी व छोटू हमारे साथ हाथ पकड़ कर रहना, सुरक्षा जरूरी है। आरती, दादाजी यह मेला क्यों लगाया जाता है? दादाजी, बच्चों हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर उस दिन पहले से इस मेले का आयोजन किया जाता है। कपालमोचन एक पौराणिक स्थल है। इस स्थल का उल्लेख पुराणों तथा महाभारत में भी मिलता है। मान्यता है कि इस स्थान पर बहुत से हिंदू देवता पांडव गुरु नानक देव जी तथा गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। माना जाता है कि यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान करना पवित्र होता है। सर्दी के मौसम में कार्तिक स्नान से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस होने के कारण यह दिन और भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। बाबा गुरु नानक देव जी कौन थे? बाबा गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उन्होंने क्या शिक्षाएं दी? बाबा गुरु नानक देव जी ने लोगों को अंधविश्वास के विरोध में जागरूक किया। उन्होंने प्रभु भक्ति करना, जरूरतमंदों की सहायता करना एवं ईमानदारी से कमाई करना सिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम देहधारी गुरु थे। कपालमोचन मेला बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। कपालमोचन किस जिले में? यमुनानगर में। कपालमोचन में धार्मिक स्नान कब होता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कपालमोचन में कौन से देवता और धार्मिक गुरु आए थे? उपरोक्त सभी आए थे, हिंदू देवता पांडव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, उपरोक्त सभी। कपालमोचन में अनेक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं। आप बताएं इनमें से कौन सा मंदिर वहाँ पर है? महादेव मंदिर, गौ बच्चा मंदिर, दोनों ए और बी ऑप्शन सही हैं। यहाँ मेले के उपलक्ष्य में अनेक प्रांतों के लोग आते हैं। यहाँ बहुत भीड़ होती है। इतने लोगों को संभालने का काम कौन करता है? सरकार, गवर्नमेंट।
गुरु नानक जी ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म की, सिख धर्म की, सिख धर्म की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी किस युद्ध के बाद गोपाल मोचन आए थे? भगनानी युद्ध के बाद, भगनानी युद्ध के बाद।